सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। यह सही है कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर जो इंसान अधिक गुस्सा करते हैं प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है तो प्यार की निशानी भी। आज का पंचांग 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:54 से 9:26 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं। कन्या राशि 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता के कारण सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा प्रकट होगी। थोड़ा समय आत्म मनन और आत्म चिंतन में व्यतीत करें जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। परिवार और आर्थिक दृष्टि से यह दिन शुभ है। आप आज रियल इस्टेट से जुड़ी किसी लाभकारी लेन देन को पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी और आपको निवेश पर ध्यान देना होगा। आपको लोगों का कठिन परिस्थिति में साथ देना है और उनकी समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। पार्टनर और आपके भी संबंध सुधरेंगे और पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बनेगा। करियर के कारण जो तनाव है उसको दूर होने की उम्मीद है और आप नए प्रोजेक्ट की बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप के बारे में गहराई से विचार करके अपना निर्णय लें। सेहत से जुड़ी किसी परेशानी को आज नजरअंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आपका कोई जो रुका हुआ धन है, पैसा है, मिलने की वह संभावना बहुत कम है। आपको कुछ परेशानियों के कारण समझ नहीं आएगी कि किस काम को शुरू में करूं और किसे बाद में। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, चुनौती रहेगी। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से यदि कोई जरूरी बातें पता चली है तो आप उसे तुरंत शेयर ना करें। सावधानियां, कुछ समय अपनी मनपसंद कार्यों में भी जरूर बिताएं। इसे आपको अच्छा लगेगा और मन फ्रेश होगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से आपको कभी कभी गुस्सा आ सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी डालने का प्रयास बिल्कुल ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपको अपने पार्टनर से कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। हो सकता है कि यह आपको सुनने में अच्छा बिल्कुल भी ना लगे, लेकिन वह आपके लिए ही है और आप उसे अच्छी तरह से सुनने के लिए भी प्रयास करें। यह आपके लिए काफी अच्छी वाली बातें हो सकती है जो आपके जीवन में बदलाव लाए। यह पैसों के मामलों से भी संबंधित हो सकती है, आपके घर परिवार से संबंधित भी हो सकती है। आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस सलाह को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है और पछतावा भी होगा। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने साथियों और ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की भी जरूरत हो सकती है। हालांकि जिन लोगों का तबीयत खराब है वो लोग घर से भी काम शुरू कर सकते हैं। इसे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है और उस काम की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो गया था। बात करते हैं सेहत की। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रही हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है,
आप बहुत जल्दी अपनी वापस से पर आ पाएंगी। इसके अलावा आपकी सेहत भी ठीक ठाक ही है, इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी। खुश रहें जैसे आप इस समय हैं। पिछले 2 दिनों से आपके चेहरे पर किल मुहासे हो गए हैं, इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क भी कर सकती हैं। आज का उपाय, आज आप भगवान शिव जी की आरती उतारे सच्चे मन से, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।